हाँ। ये क्या हो गया आपको है? क्या हुआ मैंने शायद सपना देखा कोई हॉरर सपना था ना देखो कैसे पसीना पसीना हो गए आप हम मेरे लिए तो हॉरर ही था वो क्या मैंने नाच रहा था सपने अचानक से गिर गया नीचे <laughs> ऐसे ऐसी रहे थे सब मुझे देखकर अरे नहीं बाबा नहीं मैं ना आप पे नहीं हंस रही हूँ मैं आपके सपने पे हंस रही हूँ अरे आप मेरे हस्बैंड हैं <laughs> आप हार मान ही नहीं सकते वैसे आप सपने पे डांस क्यों कर रहे थे वो तुम्हें तो पता है ना रिशु के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है तो उसमें वो डांस में हिस्सा ले रहा है फिर तो सपने में आपको ऋषु को डांस करते हुए देखना चाहिए आप क्यों कर रहे थे <laughs> तुम्हें यह भी बता ना कि वो इस डांस में फैमिली के किसी सदस्य को उसके साथ पार्टनर बनना हिस्सा लेना है हाँ तो ले तो रही है हिस्सा। नहीं, मैं ले रहा हूँ मतलब मैं हूँ रिशु का डांस पार्टनर क्या हो गया हुँ। है जानवी क्या हो गया भाई तुम्हें भी मेरी वाली बीमारी लग गई क्या मैं तुम्हारा वाला नुस्खा अपनाता हूँ हैं है? रुको अरे नहीं आराम से हैं ऊपर देखो ऊपर देखो सांस रुको सांस रुको हैं सांस रुको सब ठीक हो जाएगा हैं हैं हो है? गया है? हां छोड़ो हो गया ठीक हाँ ये तो सच में सही हो गई <laughs> सुनिए आपको तो पता है ना कि आपको डांस नहीं आता तो आप मेरे बच्चे की हंसी क्यों उड़वाना चाहते हैं क्या <laughs> बात कर रही है? अभी तो बोल रही थी कि मेरा पति हार नहीं मान सकता बच्चे के लिए करके दिखाऊंगा तो आपकी बात पे मैं एक बात बताऊं एक बार फिर से दोबारा सोच लीजिए ना आखिरी बात बोल एक बोलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि ऋषु की नजरों में एक बाप पीछे हट गया ना शुभम आगे निकल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो शुभम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काए और यार सेट कर दिया <laughs> अच्छा यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा चल बताओ कौन सा डांस है आप बताइए आप कौन सा करेंगे हमारे पास है हिप हॉप लॉकिंग पॉपिंग साल्सा भाई डांस के नाम है खाने के नाम है मैं बता दू तुम्हें कौन सा कौन सा डांस मुझे आता है देखो मुझे आता है नागिन डांस अब मुझे आता है डांस डांस आता है मुझे और शादी वाला डांस तुम देख ही चुके हो। <laughs> वो वो पहले, पहले कौन सा था नागिन नागिन एक बार करके बताओगे थोड़ा सा <laughs> तुम्हें क्या करना है ऐसे बनाना है ऐसे <laughs> <laughs> <दंक> मारते मारते <laughs> <सुपर, बहुत बड़िया। laughs> वो हैंडप 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 तुम्हें कहाँ पता होगा तुम तो फिल्टर के जमाने के बच्चे हो क्या ऐसे होता है हाँ, हैंडपम्प हाँ, हाँ। ऐसे दबाए नीचे हाँ। पानी आ जाता तो बस डांस में ऐसे ही पंप मारते रहना है डांस <laughs> 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 <भी> हो गया <laughs> पंप मार दिया तो जी वो वो, वो इन, इन्वर्टर वाला था एक जनरेटर जि? है जनरेटर ऐसे खींचा जनरेटर ला दो शादी वाला ऐसे <laughs> नहीं 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 जो एक इंसान बहुत अच्छा करता है बल्ब मतलब बदलने अच्छा। वाला, वाला।, वाला। बल्बा समझो कि बल्ब पकड़ा हुआ हाथ में ऐसे लगाया ऊपर होल्डर पे घुमा दो घुमा दो

ओके okay. <laughs> अभी आप हमें देख लीजिए हाँ, हम कैसे करेंगे करो दिखा दो देखिए हाँ पापा मजा आ गया नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे भाई तुम साथ हो तो सब कर लेंगे पर आज नहीं कर पाएंगे क्यों आज क्यों नहीं आज हालत पतली सी हो रही है क्या नहीं मतलब थोड़ा ऐसा टाइट टाइट सा फील कर रहा हूँ आज सही नहीं लग रहा कल से करेंगे पिताजी मैं क्या सोच रहा था जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना मतलब जो एक ये है ये है और ये 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 बस ये दो तीन कर लेते तो आपके लिए कल से इजी हो जाएगा और इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग ठीक 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 तो अब मैं आपको बताता हूं आप करते जाओ रेडी 5 6 7 गो वेरी नाइस ताऊ जी फास्टा फास्ट 5 6 1 2 3 4 तो डी कहते हैं यारी तू गिरे तो मैं संभालू मैं गिरूं तो तू संभाले बहुत बढ़िया अब ना बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे तुम कर लो आज मैं कल करूंगा जाऊं ना कोई देखेगा नहीं है वो बड़ा चलाक है <laughs> <ने वो ये। laughs> ले, मैं बैठता भैया मैं तो नहीं भैया एक काम करिए पहले रिलैक्स रिलैक्स हो क्या हो हो जाइए क्या जाऊं भाई मेरा जय जय रखा है तू तो तो जैसे डांस नहीं आता उससे पूछ न कोई तरीका नहीं है कि मैं डांस सीख जाऊं या फिर जो मजाक बनने का डर है ना ये मेरे दिल से निकल जाए भैया एक इलाज है जब आप डांस करते हो ना भैया तो आप सब भूल जाओ आगे पीछे ऊपर नीचे कौन क्या देख रहा है कौन क्या सोच रहा है कुछ मत सोचो भैया बस डांस करो दिल से डांस करो भैया वो जो आपका डर है ना वो छू बंतर हो जाएगा भैया गायब हो जाएगा समझे जब आप डांस करते हो ना भैया तब आप सब भूल जाओ कौन क्या देख रहा है कौन क्या सोच रहा है कुछ मत सोचो भैया वो जो आपका डर है ना वो छू बंतर हो जाएगा ये देखो चले थे डिस्को डांसर बनने टिटू भैया ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, ठीक, ठीक हे भगवान लगता मेरे पैर में गहरी चोट आई है अरे अब मैं ऋषु के साथ डांस कैसे करूंगा क्या होगा अब इसके बहुत ऑर्डर्स आए भाभी हाँ, पर ये ठीक से बना नहीं है देखना ये वाला आ, ए... अरे? अरे? अरे क्या हुआ आपको ठीक है कुछ टिटू भैया अरे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया बस धन्यवाद धन्यवाद कैसे हुआ एक महिला थी सामने मेरा ध्यान कहीं और था स्कूटर ठुक गया टिटू भैया पर आपको तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा हाँ रुचि जल्दी से ऑटो बुलाओ इनको डॉक्टर के पास जाओ नहीं भाई नहीं मैं ठीक हुआ थोड़ी सी तोड़फोड़ हुई है बस कहा स्कूटर में एक्सीडेंट हुआ है चोट लगी है और आपको हंसी मजाक सूझ रहा है अरे तुम्हें टेंशन नहीं देख सकता आ। आ।, आ, 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 क्यों, क्या हुआ आपको रुचि देखो कितना दर्द हो रहा बुलाओ ना डॉक्टर को तुम तो, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता रुचि करेगी रुचि क्या करेगी वो डॉक्टर थोड़ी ना मेरे पाँव पे खड़ी है भाई सॉरी 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 भाभी भैया चलिए आप अंदर चलिए आराम कीजिए

तेरे पापा को स्टेज पर पूरे स्कूल को उन पर ना हंसवाया ना तो मेरा नाम भी शुभम नहीं पता नहीं स्कूटर चलाते वक्त ध्यान कहाँ रहता है आपका यही तो दिक्कत है इसकी एक जगह ध्यान को नहीं रह इसका दे भाई तू छोटा टीटू के साथ डांस कॉम्पिटिशन में भागी क्यों ले रहा है भाई जबकि थारी को खुद पता है कि डांस के मामले में अंडा बटा जीरो है तू नाचने की टेंशन नाच रही होगी दिमाग में भेड़ दी भाई जी ने स्कूटर इधर कर इधर कर रे गाल नहीं पैर इधर कर मैं 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 कर रहा हाँ 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 कुछ नहीं हुआ टूटी को नहीं खाली मोच चाहिए ठीक है बस 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 हो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बेटा हो गया हो गया दो तीन दिन आराम करेगा ठीक हो जाएगा ठीक है ठीक 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 पर मोच में दर्द बहुत हो गए बेटा बहुत बहुत इसलिए नीचे जमीन पे पाओ मत धरना पापा जी मैंने नीटू से कहा पेन किलर भिजवा देगा रुचि अब लेकर आती होगी ठीक तो मैनेजर साहब ध्यान रखना अपना ठीक ठीक सही नहीं हुआ पापा जी ने इतने प्यार से आपके पैरों पे मलम लगाई है और आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ अरे पापा की बात तोड़ना कर रहा था मैं इसकी बात कर रहा हूँ मुझे, मुझे और... अब दो तीन दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं होगी मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी आराम करिए दो तीन दिन मेरी बात सुनो क्या ऋषु को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए मेरी खातिर प्लीज अरे आपका पैर टूटा हुआ है पापा हाँ वाह मस्त आराम कर रहे डांस प्रैक्टिस नहीं करनी है है हाँ, करनी है अभी तो दो तीन दिन में करेंगे ना दस दिन है ना कंपटीशन में हाँ अच्छा दस दिन तो बाकी है कंपटीशन में लेकिन उससे पहले तीन दिन बाद उसी कंपटीशन का सिलेक्शन राउंड है हमें उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है हाँ, 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 करेंगे भाई कर, करेंगे हम हाँ टाइम बहुत कम है और तीन दिन में हमको प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस रेडी करनी करेंगे 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 <laughs> देख बेटा नीलम पहली बारी जब तुम लोग आए थे तो रिश्ता जोड़ने आए थे अब रिश्ता गया है इसलिए कह रहा हूँ सारे मिलके एक बार फिर आ जाओ हाँ महिंदर को फोन दे मैं बात उससे अंकल पापा जी से मैं बात कर लूंगी वो अभी वॉशरूम में है वैसे एक बात कहूँ जब तक त्रिशला और सागर की सगाई नहीं हो जाती ना हम आपके घर नहीं आ सकते वैसे अंकल मेरा ना त्रिशला को मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है अरे तुम मिलने का मन कर रहा है तो दिक्कत ही कौन है भाई मिलवा देते हैं। तो मैं त्रिशला बिटिया को लेके बाहर आ जाऊँ आप जहाँ बोलो जहाँ सही है आ, वैसे भी मैं पापा जी और सागर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शॉपिंग करने तो जा ही रहे हैं तो क्यों ना आप त्रिशला को भी वहीं ले आइए मिल लेंगे क्या कहना बहुत ही बढ़िया भाई ठीक है अच्छा एक, एक एक बात सुन ले त्रिशला बिटिया को पता को नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने कोई प्लानिंग करी है नहीं तो खेल खराब हो जाएगा बेटा ठीक है अंकल पक्का नहीं पता चलेगा ठीक है ठीक है नमस्ते 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 <laughs> <laughs> के बात, के बात है भाई क्या बात है किससे अहसास की बातें हो रही थी जो मोती चूर के लड्डू से खिले हुए कोई तेरे को लगे तो अकेली है अरे <laughs> थारापति आज की तारीख में भी डिमांड में है मार्केट में <laughs> बंदर बुढ़ा हो जाए गुलाटी मारना कौन नहीं बोले कहीं 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 बोली कहीं सुनी सुनी तो कोनी मैं भी बोली कोनी आजा ऑल सेट देन आप जल्दी से रेडी हो जे मैं भी चेंज करके आता हूं डांस।, डांस डांस अरे क्या कर रहे हो भाई क्या है मैं आपको डांस वांस कुछ नहीं करने दूंगी याद रखिए आप समझे तो मेरी बात अगर ऋषु को पता चल गया ना कि मुझे चोट लगी हुई तो अपना नाम कटवा देगा वो कंपटीशन से मैं जानता हूं हमारे बच्चे को लेकिन दिल टूट जाएगा उसका

देखा जैसे इन दोनों के दिमाग मिले तो क्या गजब का आइडिया है मेरे पास अब तुम देखना क्या करता हूँ अरे खिला जा रहा है नहीं डांस करने चले हैं हो जाए हो जाएगा ठीक हो जाएगा करूंगा डांस करूंगा दादू आप तो बड़े कूल हो ये वाला ये वाला बढ़िया तो है भाई पर और देखते हैं चलना पहले हाँ तो अच्छा तेरे दादू कूल कैसे हो गया भाई तू अब कूल ही तो जो दादी को सरप्राइज दे रहे हो वैसे <laughs> पता है अच्छा ही हुआ आपने मुझे कॉलेज से बुला लिया अब मैं भी आपकी हेल्प करूंगी दादी का गिफ्ट चूज करने में आई I मीन mean, सरप्राइज चूज करने में हाँ। जसरे के सामने कर नो 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 मैं थारे को इस वास्ते अपने साथ लेके आया हूं कि जस्ट बिकॉज़ यू फैशन डिजाइनर अच्छा पहले उधर देखते हैं उस तरफ हां बड़ी दुकान है नमस्ते अंकल नमस्ते हाय त्रिशिला हाउ आर यू आप लोग यहाँ कैसे वो त्रिशिला को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने कहा चल भाई कॉलेज से बुला लिया इसको वाह और महिंदर है भाई मारी राम राम देना भाई इसको पापा जी और सागर यही है ना पीछे वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर में अच्छा यहाँ हाँ जी हाँ जी वहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं <laughs> मुझे कुछ लोकली देखना था इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई तो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते उनसे मिल लीजिए ना और पापा जो सागर त्रिशला से मिलकर भी बहुत खुश हो जाएंगे क्यों ना कहीं बैठ के कॉफी पी लेते हैं कुछ बातें भी हो जाएंगी हाँ हाँ क्यों नहीं भाई मेल मिलाप तो करना बहुत जरूरी है पर ऐसी दिक्कत है ना भाई कि हमारा एक दोस्त रहे इधर ही वो आधे घंटे में उसे निकल जाना है तो आप इसको लेके आगे चलो मैं आता हूँ ठीक है थीक जैसे आपको ठीक लगे Uh, चलो त्रिशला पापा जी एंड सागर विल बी हैप्पी टू सी यू कम हाँ हाँ बेटा जान हाँ अरे अपने घर की बात है घर के ही लोग हैं बेटा कब जा काँ? मैं आता हूँ मैं <laughs> <laughs> आ रहा हूँ कब बच्चे Two, three, four, five, six. Ah. Huh?

एक फिर जी ऐसे नहीं करते। तो मतलब एस, ऐसा कर सकते मतलब हाथ और पैरों में कोऑर्डिनेशन जाएंगे ना नहीं तो है? तो चुप कर एक तो ये वैसे ही डांस नहीं करते ऊपर से तुम हाथ और पैर के स्टेप्स साथ में सिखाना चाहते हो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे एक एक करके सिखाओ। फुल मैं। ऐसे नहीं सीख पाऊंगा पहले हाथों की सीख लेते पापा सिर्फ हाथ नहीं यूज करते ना क्यों नहीं हो सकते भाई जब ऋतिक कर सकता है तो राजीव बंसल नहीं कर सकता क्यों नहीं पूरा गाना उस लड़के ने ऐसे निकाल दिया करके मैं क्यों नहीं कर सकता टाइम मत वेस्ट कर ओके okay. वैसे भाई साहब ने ऐसा गाना चुना है जय जय शिव शंकर जिसे करना मिलने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है पापा मैंने गाना चेंज कर दिया आ? कहीं और भी मुश्किल डांस वाला गाना तो नहीं चुन लिया ब्रो मुझे पता तूने इसलिए किया क्योंकि तुझे पता है मेरा फेवरेट गाना है ये नहीं है आपका फेवरेट सॉन्ग इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले वाले सॉन्ग पे आप अनकंफर्टेबल थे मम्मा डांस ही नहीं कर पा रहे थे अब वो बात अलग है कि आपने मुझे बताया नहीं पापा सो लेट स्टार्ट अरे जानवी <पावू>। चलो बस yes! <laughs> अरे 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 आ गई मारी छोरी आ गई मारी लाडो कैसा रहा सब बहुत अच्छा यू कहीं है ओहो हो, हो बैग तो घड़ी सुंदर लग रही है भाई तूने <laughs> खरीदी उन्होंने दी हाँ दादू मैंने तो मना किया था लेकिन सागर की मम्मा ने जिद की एक बात कहूं दादू मैं तो इस ब्रांड का बैग कब से लेना चाहती थी सोचा था कि फैशन डिजाइनर बनूंगी तभी खरीद बच्चे थारी खुशी देख के मारे को बहुत खुशी हो रही है <laughs> और एक बात बताऊं थारे पलकों पे बसा सपना उन्होंने पल भर में पूरा कर दिया देख और आगे भी चिंता को नहीं कर बेटा आगे भी सपना तू देखेगी और पलकों पे बसाएगा सागर बेटा थारे ससुराल वाले थारी कोई भी इच्छा पूरी करने से कोई कमी को नहीं करेंगे ना ना इसका मतलब ये को नहीं है कि मैं थारे को जबरदस्ती इस रिश्ते में घसीट रहा हूं ना 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 जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी चले बैग में डाल दे और हाँ बेटा था। थारे को मारने में एक काम करना पड़ेगा घर में किसी को मत बताना कि तू सागर के घर वालों से मिली थी थारे को तो पता है कि वो उनकी बहू अचानक मारे से टकरा गई और मैं उनको ना को नहीं बोल पाया अपनी दादी को तो जाने ऐसे कैसे चल गए ऐसे कैसे छोरी को ले जा सकते हैं फोन तो करना चाहिए था पहले बताना चाहिए था, 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 था मारे को छील देगी वो मैं मर भाई दादू मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी पक्का प्रामिस? चल फिर <laughs> एक दिन और बचाए सगाई का मुहूर्त निकालने में थारी में कोई कसर को नहीं छोड़ूंगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.